उत्तर प्रदेश में जहां अपराधियों में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन का खौफ जारी है, वहीं एनकाउंटर के डर से फरार बदमाश कोतवाली में समर्पण करने पहुंचा। बिलालसी गांव का ये दीपक अपराधी है, पुराना लुटेरा है। हम भी अपनी एक लूट की घटना में बदमाशों को तलाश रहे थे, ये भी थाना भवन की घटना में बड़ी लूट की घटना में फरार चल रहा है और हथियार रखते हैं बदमाश, आए दिन पुलिस भीड़ों में पकड़े जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो इसने अपने घर वालों से कहा कि मुझे अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, हो सकता है कि मैं जिंदा बचूं या ना बचूं। तो गांव वालों ने पुलिस को बुलवाया और कहा कि साहब ये थोड़ा गलत लाइन पर चल रहा है, अब चंडीगढ़ से लौटा है, हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आप अपनी लूट में पूछताछ कर लें। तो पुलिस का ये खौफ है हमारे SSP सर का कि अपराधी स्वयं ये जानकर कि अगर मैं पुलिस के हत्थे चढ़ूँ तो हो सकता है मुठभेड़ में मारा जाऊं, भयवश समर्पण कर रहे हैं। आपको बता दें कि शामली पुलिस द्वारा हुई बदमाशों के साथ मुठभेड़ के दौरान से बदमाश दीपक कुमार फरार चल रहा था, जिसके बाद अपनी जान की फिक्र करते हुए बदमाश दीपक ने कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण किया और साथ ही बंधन बैंक के कर्मचारी से लाखों की लूट को भी कबूला। दीपक कहाँ करें? बिलाल से। तो आज आप ककाल थाने पर आए? जी। आप आत्मसमर्पण के लिए आए, क्या मामला? एनकाउंटर के डर से, गोली की। गोली के डर? तो किसका डर था? तो मुझे पंडगर पुलिस। तो अपराध में कब से अपराध कर रहे हैं? सर पहले अपराध था, अब कोई अपराध नहीं था। पहले अपराध चोर थे, उन्होंने अपराध किया था तो उनकी वजह से ही नाम आया था। किस चीज़ में नाम आया था? लूट में। कहाँ पर लूटे? यहाँ तो हुई थी नियमू में 2016 में। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्सी रिपोर्ट।